हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कुमार सिविल गाइड। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी। जब अपन ब्रिक मेसनरी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड यूज किए जाते हैं, किस टाइप से अपन ब्रिक मेसनरी कर सकते हैं। जैसे कि अपने चार बॉन्ड होते हैं, पहला होता है अपना स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा हेडर बॉन्ड, तीसरा इंग्लिश बॉन्ड और चौथा फ्लेमिश बॉन्ड। ये चार टाइप से अपन ब्रिक मेसनरी करते हैं और यही चार अपने बॉन्ड होते हैं। जैसे अपना ये ब्रिक है तो बॉन्ड जानने से पहले अपन जानते हैं कि अपना ब्रिक का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो जैसे दो प्रकार के इसकी साइज होती है, एक होता है स्टैंडर्ड साइज, एक होता है नॉमिनल साइज। जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ब्रिक का पहले स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। स्टैंडर्ड साइज होता है इसका 190 by 90 mm। इसमें 190 अपना हो गया, ये अपना लेंथ हो गया 190, हाइट हो गया 90 mm और जो ये विड्थ है इसका ये भी हो जाएगा 90 mm। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड साइज 190 by 90 by 90 mm। अब एक क्वेश्चन हो रहा था इसका नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज होता है अपना 200 by 100 by 100 mm। नॉमिनल साइज वो होता है जब अपन ब्रिक मेसनरी करते हैं उस पर जो मोर्टार लगाते हैं, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सर अपन यूज लेते हैं, वो मिक्सर मिला के जो साइज बनती है अपनी वही अपना नॉमिनल साइज होता है। तो वो होता है अपना 200 by 100 by 100 mm। अब अपन जानते हैं अपने स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होते हैं। तो जैसे मैं पहला देखता हूँ स्ट्रेचर बॉन्ड, तो स्ट्रेचर बॉन्ड अपना कैसा बनता है। जैसे मैंने ये एक ब्रिक लगाया, पहले ये मैंने ब्रिक जोड़ा इसमें, फिर मैंने एक और ब्रिक लगाया, ऐसे ही सेम रिपीटेशन में यही ब्रिक चलेगा अपना। फिर जब इसके ऊपर में जब ब्रिक लगाऊंगा तो सेम मैं ब्रिक ऐसे लगाऊंगा, फिर मेरा ऐसे ही ब्रिक चलता रहेगा आगे। यही सेम अपना प्रोसेस चलेगा, इसी को अपन स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया अपना स्ट्रेचर बॉन्ड। अब अपन दूसरा अपना आता है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है, तो हेडर बॉन्ड में सामने से जब अपन ब्रिक मेसनरी करेंगे तो वो अपना ऐसा दिखेगा। जो इसकी स्मॉल साइज है, जो 90 by 90 mm की जो स्मॉल साइज है, वो अपन को सामने वाली फेस से दिखेगी। जैसा मैं इधर बना रहा हूं, आपको बना के आपको दिखा देता हूं, ये सब अपन को सामने से दिखेगा। फिर सेम प्रोसेस में यही आगे ब्रिक मेसनरी आगे चलेगा अपना। और ब्रिक मेसनरी करते टाइम पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो अपना जॉइंट है, एक के ऊपर एक जॉइंट नहीं आना चाहिए, अपना जॉइंट अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे इसमें भी अल्टरनेट आया अपना, ये जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, हर जॉइंट अल्टरनेट होने चाहिए। इसी को अपन हेडर बॉन्ड बोलते हैं। अब अपना तीसरा जो बॉन्ड आता है वो आता है इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड जैसे अपन स्ट्रेचर बॉन्ड में ब्रिक मेसनरी करते हैं वैसे इसमें फर्स्ट लेयर स्ट्रेचर बॉन्ड की चलेगी। ये अपना स्ट्रेचर चलेगा फर्स्ट लेयर में। फिर जब सेकंड लेयर आएगी तो इसमें हेडर आ जाएगा अपना। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, थोड़ा पेन। अब जो तीसरा लेयर आएगा वो वापस स्ट्रेचर का चलेगा अपना।
सेम प्रोसेस अपना ये रहेगा, फिर जब इसके नीचे वापस ब्रिक मेसनरी करेंगे फिर अपना हेडर चला जाएगा। तो इसी को अपन इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। जैसा अपना हो गया फर्स्ट लेयर में अपना स्ट्रेचर हो गया कंटिन्यू में, दूसरी लेयर में अपना हेडर हो गया, ये हेडर कंटिन्यू में चलेगा, फिर तीसरी लेयर में स्ट्रेचर, फिर चौथी लेयर में वही कंटिन्यू में हेडर अपना, इसी को अपन इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। अब अपना चौथा आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में स्ट्रेचर बॉन्ड लेंगे, फिर अपना हेडर आ जाएगा, फिर वापस स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर वापस अपना स्ट्रेचर। तो एक ही लेयर में हेडर और स्ट्रेचर जो है वो अल्टरनेट अपने चलेंगे। तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, फर्स्ट लेयर में स्ट्रेचर, फिर अल्टरनेट में चलता रहेगा स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, फिर सेकंड रो में वो अपना वही सेम प्रोसेस रहेगा, हेडर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर वही स्ट्रेचर हेडर, सेम प्रोसेस में ये अपना चलता रहेगा, इसी को अपन फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। अब एक चीज और अपन को इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए वीडियो में बने रहिए। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक लेयर मेसनरी में चार बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड, तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा होता है, तो ये चीज भी इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो होता है अपना इंग्लिश बॉन्ड, इन चारों बॉन्ड में इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपने अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। राहुल कुमार सिविल गाइड।